स्पेशल ताकत तेरा जोर मुझ पे नहीं, सब जानता हूं मैं। कैसे तो इसके लंदन में बैठे बाप की प्रॉपर्टी में सांप बना बैठा है। अरे इसी बात का दुखड़ा रोती थी फोन पे मुझसे कि ताई बहुत जालिम है, कुछ खाने को नहीं देती, दिन रात काम लेती, कठोर की तरह। मर जान गई, हमारे गले का ठंडा बन जाना है ना। चलो निकलो ताई जान, सुन ताई जान, अरे मेरी दादी, दादी चुप। मेरे लिए नवीद जैसा रिश्ता और समीन के लिए हमजा, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मेरा पीछा कोई ना करे। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। क्या हुआ? नहीं, मुझे जाना है। कहाँ? पता नहीं, लेकिन यहाँ से जाना है मुझे, अंदर नहीं। चुप करके यहीं खड़ी रहो हला, कहीं नहीं जाओ। ओके हाँ, किसी ने मेरा फोन देखे, पता नहीं कहाँ गया, सुबह से मिल ही नहीं रहा है। ले गई होगी ना वो साथ सारे सबूत जो थे उसमें। क्या हुआ दादी, क्या हुआ, क्यों रो रही है? वो अब आला पता नहीं कहाँ है, ये सब लोग कह रहे हैं कि आला भाग गई है, मगर मुझे पता है, मुझे पता है बेटा, वो भागने वाली नहीं है, वो घर छोड़ के जाने वाली नहीं है। भागने वाली नहीं थी पप्पो, मगर चारों तरफ से जब घेरा तंग पड़ जाए ना, तो भागने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। बहुत देर गुजर गई, दिन चढ़ाया, निकल गई होगी। देख बेटा, तहज्जुद के वक्त तक ना मेरे पास थी वो, देखो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जा जाकर उसको ले आ, ले आएगा ना। अब नहीं मिलने की पप्पो जान, या मेरी जान, जा जा जल्दी जा। ले आया, ले आया दादी, ले आया। हमजा कहाँ है बेटा? मैं लेकर आता हूँ। हाला, हाला, अंदर आओ, अंदर आओ। हाला, हाला, आप मेरी बच्ची। कहाँ चली गई थी मेरी जान, कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी ये, कहाँ से मिली हमजा? यही पास बेड़ियों से पहले कुछ कुत्ते मिल गए थे। कुत्तों की खासियत ये होती है कि वो सिर्फ जान के दुश्मन होते हैं। अगर कोई इंसानी भेड़िया मिल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। इशारों में बात क्यों कर रहे हो, खुल के बात करो। ये अपनी मर्जी से गई थी, इसे घर वापस लाने की जरूरत नहीं थी, वहीं गाड़ देना चाहिए था इसे। घर की इज्जतों को गाड़ा भी घर के अंदर ही जाता है अबू, और आपने इसे घर से निकाल दिया। हमने शाहजहां, शाहजहां ने निकाला? हाँ, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए शाहजहां, मेरा घर खो तेरा। निकाली गई या खुद निकली, बाहर आ, अब ये लड़की इस घर में रहने के काबिल नहीं रही। लेकिन रईस भाई, वो रुका, मुझे किसी रुके में दिलचस्पी नहीं है, और जिसे इससे हमदर्दी है वो भी इस घर से जा सकता है। तू मुझसे घर से निकलने का कह रहा है रईस? मैं इसके हमदर्दों की बात कर रहा हूं अम्मा। आप क्यों इसकी हमदर्दी कर रही? बचपन से लेके अब तक इसका वतीरा है, हमेशा कुछ ना कुछ खुद करती है, सारा इल्जाम रूमी पे डाल देती है।
और अब देखिए ना इसने क्या हरकत की है। वो ड्राइवर के साथ फोन पे बातें की और उसका इल्जाम भी इसके सर धर दिया। ऐसी लड़की को मैं घर में रहने दूंगा जो मेरी बेटी की किरदार कुशी करती है? अबू, मैं आपको इसको घर से नहीं निकालने दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमजा, हमजा तुम एक गैर लड़की के लिए अपने वालिदैन के मुखालिफ कैसे जा सकते हो? न जाने ये किस खेत की मूली है। गैर लड़की, खेत की मूली? हमी आप भूल रही हैं, मैं भी उसी खेत का हूं। हम एक ही खेत में उगे हैं, ये हमारा खेत है। मेरे भाई की बेटी है ना, मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूं। रिश्ते इंसान के इकरार और इनकार से नहीं बनते अबू। ये नाक कान हाथ की तरह इंसान के साथ लगकर आते हैं। मैं किसी दलील को नहीं मानता और ना ही मैं किसी दलील को मानूंगा। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी हमजा। कोई नफीस को कॉल मिला दे या फिर मेरे जूते पकड़ाओ, मैं भी जाऊंगी हाला के साथ। आप कहीं नहीं जा रही अम्मा, सिर्फ ये जाएगी। इस घर से अब इसका कोई रिश्ता नहीं है। इंसानियत का भी नहीं अबू? नहीं, इतने साल इंसानियत ही दिखाई है ना, सिला क्या मिला? ठीक है, मैं नफीस चाचू को भी फोन करूंगा, वो इसका बंदोबस्त करेंगे। तब तक ये यही रहेगी। भाई है वो मेरा, अच्छी तरह से जानता हूं उसे मैं, कभी नहीं करेगा बंदोबस्त। अभी तो आप कह रहे थे कोई रिश्ता नहीं है और अभी एक सेकंड में पहचान भी बता दी आपने। जुमला मत पकड़ो हमजा, मुझे तो वैसे ही हमेशा इस पे शक रहा है। पता नहीं नफीस की है भी या नहीं, जितनी आवारा इसकी मां थी। रईस, तुझे शर्म नहीं आती? अंधा भी अगर देखे तो कहेगा कि ये दादी रिफत की पोती है। अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है अम्मा, खुदा जाने किसका गुनाह नफीस हमारे सर थोप गया। ऐसी तो नहीं कि उसने पलट कर खबर भी नहीं ली। गंदी बातें मत करें दाईजान, मैं अपने डैड की बेटी। जबान चलाती है, आंखें दिखाएगी मुझे। मुझे आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी। खून तो एक मिनट में साबित हो जाता है किसका है। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। हमारा इससे अब कोई रिश्ता नहीं है। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी और मेरे फैसले को हमजा अब कोई नहीं बदल सकता। तो आप कह रहे हैं कि किसी रिश्ते के बगैर इस घर में नहीं रह सकते? बिल्कुल। ठीक है, उठो वाला, उठो। तो सही कह रहे हैं, किसी रिश्ते के बगैर तुम यहाँ नहीं रह सकते। चलो मेरे साथ। हमजा, तू भी रईस का हम ख्याल हो गया क्या? नहीं दादी। हमजा, कहाँ ले जा रहे हो इसे? जब आप लोगों ने ला तालुकी का ऐलान कर ही दिया तो आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए कहीं भी जाए। हमजा, हम नहीं जा सकते। जाने दो अहमद जज्बाती को। ऐसे कैसे जाने दो? मेरी दो बेटी को बदनाम किया इसने और अब मेरे बेटे की हमदर्दी बटा रही है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी हमजा, तुम नहीं जा सकते। मैं नहीं रुकूंगा अम्मी। हमजा, मैं नहीं रुकूंगा। हमजा, हमजा, रुक जा बेटा, रुक जा। चलो हमजा, कहाँ लेके जा रहे हो? चुप करके चलो। हमजा, मेरी बात करो। तुम सिर्फ डैड को मना लो कि वो मुझे अपने पास बुला ले, सबके मसले हल हो जाएंगे। तुम चुप करके चलती हो कि नहीं? हला, चलो मेरे साथ। सा? चलो। क्योंकि एक रिश्ता आला जो सिर्फ इस छत के नीचे बनता है। नहीं। क्या नहीं, इनकार कर रही हो? नहीं हमजा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अम्मी मुझे जान से मार देंगी, वरना खुद मर जाएंगी। अपनी बात करो हाला, चल रही हो या नहीं? मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है तो जाओ, पूरी दुनिया है तुम्हारे सामने। पूरी दुनिया में किसी को नहीं जानती। मुझे जानती हो आला।
फिर आओ। मुझसे निकाह नहीं करना, कोई और पसंद है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं हाला, कोई और पसंद है तो मैं खुद करवाऊंगा तुम्हारा निकाह। तो फिर मैं तुमसे तुम्हारी इजाजत मांगता हूं, क्या मैं तुमसे निकाह कर सकता हूं? लेकिन दाईजान, दाईजान, दादी समीर, मुझे इन सबकी कोई परवाह नहीं है राला। हाला मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा, गलत बर्दाश्त नहीं है। जो कुछ आज अब्बा ने तुमसे कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उनको तुम्हें उस घर में रखने के लिए रिश्ता चाहिए ना, मैं दूंगा ऐसा रिश्ता। वो तो क्या पूरी दुनिया में से कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठा सकेगा। चलो मेरे साथ। निकाह मजबूत रिश्ता होता है ना? कोई शक, मजबूत भी और कमजोर भी। कमजोरी का जिक्र मत कीजिए, बस आप ये बताइए कि निकाह के बाद तो कोई सवाल नहीं बचता ना? निकाह तमाम सवालों का जवाब होता है। फिर आप हमारा निकाह करा दीजिए। ये कौन है? मेरी चाचा की बेटी है, मैं सब फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, बस आप हमारा निकाह करा दीजिए। निकाह के लिए वकील की जरूरत होती है। मौलवी साहब जिनके वकील नहीं होते क्या वो लड़कियां ब्याह ही नहीं जाती? माफ कीजिएगा मेरा इल्म कम है, आप मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं। वैसे आके लो बालिग है। मेरी तरफ से मैं गवाह हूं। क्या नाम? तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। हाय हाय कहाँ ले गया है हाला को? मैं ये दवाई ले ले। अरे अरे अम्मा किसी दारुलमान में ही छोड़ के आएगा ना, सड़क पे नहीं छोड़ने वाला मेरा बेटा। हाँ लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं? अब भाई भाई आ गए, भाई आ गए। आ गया हमजा। आजा आजा। तुम कहाँ चले गए थे भाई? सब लोग परेशान हो रहे थे और इससे तुम फिर ये फिर तुम्हारे साथ आ गई। कमरे में जाओ, दादी के नहीं मेरे। क्या? आप लोगों ने कहा था ना ये रिश्ते के बगैर इस घर में नहीं रह सकती, तो मैं बना लाया हूं रिश्ता, निकाह कर लिया मैंने इससे। निकाह?
क्या बकवास है? आपने कहा था ना कि आप अपने भाई नफीस की बेटी को नहीं जानते, तो मिलिए इस लड़की से। हाला हमजा, अब से यही इसका हवाला है। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया है हमजा, मेरे बच्चे मेरे लाल, आओ आओ मेरे गले लग जाओ। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ऐसी बदकिरदार लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी। बहू तो बन चुकी है बहू। पार दिया मैंने, खत्म हो गया ये रिश्ता। ये रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते अम्मी। ये निकाह तो अल्लाह के पेपर में रजिस्टर हो गया, और ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं नहीं मानती ऐसे किसी निकाह को। अरे परे हट, तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? जो होना था हो गया माशाल्लाह से। मेरी दुआएं रंग लेकर आई हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं, सज रहे हैं मेरे दोनों बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरा घर है हमजा, और यहां वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहूंगा। तो आप मुझे घर से निकल जाने का कह रहे हैं? तुम्हें नहीं, इस लड़की को। लेकिन ये लड़की वही रहेगी जहां मैं रहूंगा अबू। ये मुलजिमा है, मुजरिम नहीं अबू। और मुलजिम को सजा नहीं सुनाते, उसको सफाई का हक देते हैं। फांसी का मुजरिम भी अपील का हक रखता है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके, और आप इसको, आपने तो इसको सजा ही सुना दी, ये गुंजाइश भी नहीं दी। ये कहां का इंसाफ है? ये देखिए इंद्रा, ये शक्ल देखिए। आपको लगता है जो इस पर इल्जाम लग रहे हैं वो ये सब कर सकती है? नहीं कर सकती अब्बू। जो लड़की सही तरह मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये करेगी? इसकी शक्ल देखिए, इतनी मासूम है, इतनी भोली है कि मुझे इस पर तरस आने लगा था कि कहीं ये ट्रैप ना हो गई, और ये हो गई। तो फिर वो सब कुछ किसने किया था? मैं नहीं जानता अब्बू, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि जब तक असली मुजरिम का पता नहीं लगा लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस खुदा का वास्ता है समीर। समीर देखो, मेरा दिल बहुत कमजोर है बेटा, अब मत आसमान, दरवाजा खोल दे बच्चे। ना बेटा प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। समीर मेरा बच्चा, दरवाजा खोल दे वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। दरवाजा खोलो समीर, समीर दरवाजा खोल बच्चे। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ खोलो। नहीं नहीं नहीं, इस कमरे में नहीं जा सकते। निकलो 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 इस कमरे से। अम्मी बात को समझने की कोशिश करें, ये कमरा अब हाला का भी है, ये यहाँ से नहीं जाएगी। मेरा कलेजा नोच लिया हमजा, बाहर निकलो। मैं तुम्हें, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, सुना नहीं तुमने? बाहर निकलो, इसे निकालो कमरे से। बाहर निकलो, मम्मी छोड़ इसको कमरे से। मम्मी छोड़ इसको, कह रही हूँ निकालो। बाहर निकलो, छोड़े शांत करनी है मुझे। बस हाला यहाँ से कहीं नहीं जाएगी अम्मी। चले अम्मी, चले चले अम्मी।
तुम्हारी जैसी भाभी लाने का ना मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कहाँ तुम और कहाँ मेरा भाई, लेकिन जो तुमने समीम के साथ किया है ना, मजा आ गया। जो कहना है कहते हैं, जिससे आपका दिल हल्का होता है, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, जो आप कहेंगे करूंगा। तो छोड़ दे उसे। बस मेरे जी, बस अब और नहीं। तो शर्म है, कितनी और नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। मम्मी, हमजा ने आला से वाकई में निकाह कर लिया। मत लो नाम उन दोनों का। क्यों ना नाम, उन दोनों के नाम अब जुड़ चुके हैं। कहीं से भी नहीं जुड़े। तुम अभी ताई को नहीं जानती, वो कोई चीज जुड़े रहने देंगी? मर जाएंगी या मार देंगी। कहाँ रह गए थे आप? वो शाहजान भाभी की तबीयत बिगड़ गई थी, वहीं था। छोड़े सब दुनिया की फिक्रें, मौत आए सबको, अपनी बेटी के हाल देखे। ऐसे नहीं कहते सोफी। मैं कुछ सही कह रहे हैं आप, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहते, इसे बहुत बढ़कर कहते हैं। मौत आई उस मनहूस हाला को, अपने अदाओं के जाल में हमजा को फंसा लिया। खुदा गारत करे। मैं ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं, हमजा मुझे क्यों छोड़ा? मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते। नहीं जाएगी। वाह, तुमने तो एक लोहार की कर दी। नहीं। कैसी नहीं, वहां पे सबको क्लीन बोल कर दिया है ना। खड़ी क्यों हो, आ जाओ बैठो, अब तो ये तुम्हारा भी कमरा है। वैसे सच बताओ, तुम्हारा मेरे भाई के साथ पहले से चक्कर था? ज्यादा जोर से लगी। अब जब इतना बड़ा कांड किया है तो इतना रिएक्शन तो बनता था, इसके लिए तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए था ना। मैंने कुछ नहीं किया रोमी। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने इश्क नहीं किया। अब तुम मुझ पे चिल्लाओगी? खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ क्या। तुम्हारी जैसी भाभी लाने का ना मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कहाँ तुम और कहाँ मेरा भाई, लेकिन जो तुमने समीम के साथ किया है ना, मजा आ गया। ऐसी शिकस्त तो मैं भी नहीं दे सकती थी उसे।
दिल खुश कर दिया हाला। भाभी मैं सोच रही हूं उसका क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त। मैं देखकर आती हूं, बहुत मजा आएगा। अब सुनो, ये दरवाजा बंद कर लो, अम्मी का कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि जलती हुई तीली लगा दें, बंद दरवाजे का भी कुछ नहीं है, ठीक है? ये क्या कर रही है दादी? अरे अल्लाह, दिल दहला दिया ना मेरा। हट परे, दिखाए तो क्या है? इतनी प्यारी ज्वेलरी। अरे अरे, हाथ क्यों लगा रही, छोड़ दे, अरे हट। देखने तो दे दादी। देख लेना जब वो पहनेगी। कौन पहनेगी? हाला। और कौन? हाला क्यों पहनेगी? क्यों का क्या मतलब है? ब्याहता हो गई है खैर से, नाक कान से खाली रहेगी क्या? तो ये सब आप उसे देंगी। अच्छा, कब से जमा कर रही हैं आप ये? हाँ, कितने सालों से जमा कर रही थी शादी पर देने के लिए। फिर तो आपने मेरे लिए भी जमा की होगी ना? हाँ, अब मैं ना इंसाफ तो हूँ नहीं, तेरे लिए भी रखा है मैंने एक सेट। एक सेट उसके लिए ये सारी ज्वेलरी और मेरे लिए एक सेट? आए है ना तू पागल की पागल, बहुओं को ज्यादा चढ़ाते हैं, अब हाला सिर्फ बेटी नहीं रही। बहुओं को क्यों ज्यादा चढ़ाते हैं? बहुओं का जेवर अपने घर आता है, बेटियों को चढ़ाएंगे दूसरों के हाथ लग जाएगा, मेरा घाटा ये। दादी यार, अच्छा जा ना, छोड़ दे इसको, अब जा, मुझे बहुत सा काम करना है, जा। हमसा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब्बू ने जैसे कहा कि रिश्ता नहीं है, बस मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मुझे अब्बू से ऐसे पत्थर देने की उम्मीद नहीं थी। बाप से मुकाबलेबाजी कर रहे हो? नहीं अब्बू, मुकाबलेबाजी के लिए बराबरी शर्त होती है और आपका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। बात एक लड़की की इज्जत की थी अम्मी। खामखा की लफाजी नहीं चाहिए। क्या करता, सड़क पर छोड़ देता उस लड़की को। ये तरबियत दी आपने मुझे, आप जानती ही नहीं है अपने बेटे को। अच्छा मेरी तरफ देखे, मार ले यार, जो कहना है कह दें, जिससे आपका दिल हल्का होता है एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, जो आप कहेंगे करूंगा। तो छोड़ दे उसे, जिससे चाहे कर लेना, जमीन का तो मैं नाम भी नहीं लूंगी, तो उसे छोड़ दे। अब कैसी तबीयत है समीन की? तुम कमरे में क्यों आई हो? अम्मी इसे निकाले यहां से। जाओ रूमी। किधर जाऊं चाची, अम्मी बेचारी वहां बिस्तर से लगी पड़ी है और अब्बू अलग परेशान है, और वो हाला वो तो हमजा भाई के कमरे की कुंडी चढ़ा के मजे से सो रही है। रूमी, और दादी, दादी तो 2-3 किलो सोना लेकर बैठी हुई है, कह रही है हमजा भाई की दुल्हन को चढ़ाएंगी। उन्होंने मुझे भी भगा दिया और अब आप भी कह रही हैं कि चली जाओ। मैंने हमेशा उस हाला को जमीन पर तरजीह दी है। वो कह रही थी कि बहू का हक ज्यादा होता है, बेटियां तो पराया धन होती हैं। का वास्ते चली जाओ यहां से रूमी। जा रही हूं,
सुबह से भूखी थी, सोचा आप समीन को कुछ खिला रही होंगी तो मैं भी खा लूंगी। लेकिन सच ही कहा है कि जब इंसान इतना परेशान हो तो भूख प्यास की कहाँ होश रहती है। ये मैं ले जाऊं चाची जान? अगर थोड़ी देर और रहती ना रूमी तो इस जमीन की बच्ची ने मेरा सर ही फाड़ देना था। और देखो कैसा मजे का नाश्ता बनाकर दिया ना अपनी बेटी को। नहीं अम्मी, अभी तूने कहा कि जो मैं कहूंगी वो मानेगा। लेकिन ये नहीं अम्मी, कैसे छोड़ दूं एक मासूम लड़की को अपनाकर। ये जिंदगी भर का आयत है और मैं पीठ दिखाने वालों में से नहीं हूं। इतनी मासूम नहीं है वो, इतनी सीधी नहीं है जितनी तुझे नजर आती है, इतनी पार्सल नहीं है वो, यार रखा हुआ है उसने। अम्मी, मैं सही कह रही हूं, कॉलेज जाने के बहाने वो बस कर दे अम्मी। एक ग्लास टूटने का इल्जाम नहीं है जो आप हाला पे लगा रही हैं। एक मिनट, क्यों टोक रहे हो मां? बात करने दो उसे। अब बताओ क्या कॉलेज के बहाने? कहने दीजिए मुझे अब्बू, बचपन से देख रहा हूं हर इल्जाम आला का, ये आला वो आला सब मिलकर उसको कसूरवार ही ठहराई जाते हैं और बड़े होकर भी। लेकिन ये क्लास टूटने का इल्जाम नहीं है, उसके किरदार की बात है मम्मी, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी बीवी की किरदार कशी की जाए। मेरे पास सबूत है, लाइए। अब दे दूंगी, दे दूंगी तो फिर बात भी तभी होगी। जी अब्बू, बुलाया आपने? वो अपनी माँ के खाने के लिए कुछ लाओ और मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। सारा कसूर तुम्हारा। इसमें इसका क्या कसूर है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिसके साथ तुम्हारी गुफ्तगू हो रही है ना उसी से बात करो। खबरदार अगर मेरी बेटी पे हाथ उठाया तो। क्या घूर रही हो? चलो जाओ वापस। आज आओ मेरे साथ। ना कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, यूं लगता है जैसे खुदा ना खास्ता मैयत हो गई है इस घर में। कुछ नहीं दादी, सर में दर्द हो रहा है, चाय बना लूंगा, आप पियेंगी? मैं तो बस सबर के घूंट पी सकती हूँ, और क्या, तंग आ गई हूँ मैं। अल्लाह पूछे शाहजहान से, ऐसे सो घोड़े बैठी हुई है? अरे कौन सी कयामत आ गई? बेटे ने निकाह किया है ना, सुन्नत पूरी की है नबी की, अल्लाह खुश होता है। मगर ना जी, छोड़े ना दादी। अब बात सुन हमजा, तू ना मुझे मिठाई ला दे, बल्कि मिठाई भी क्या, छुआरे ला दे, मैं बटवाऊंगी, सुन्नत भी है। ठीक है दादी। सुना था माँ के लिए सारी औलाद बराबर होती है, लेकिन आपने तो हाला को हर एक पर तरजीह देकर सारी मसाले गलत साबित कर दी। जलीस में तो आपका बेटा है ना, ये कहीं से उठा के लाई थी ना? तू कौन होती है मुझसे ये सवाल करने वाली कि मैंने जना था या मैं कहीं से उठा कर लाई थी? तो मुझे ये बता, तू समीन को कहां से उठा कर लाई थी? समीन का तो आप नाम भी मत लीजिएगा। ना क्यों ना लूं, पोती है मेरी, जब जी चाहेगा उसका नाम लूंगी। देख रहा ना हमसा, देखा तू किस तरह से ये लोग बात करते हैं। अरे दादी आप क्यों रो रही हैं? चाची आप जाएं यहां से। क्या तुम तो अब हमें जाने को ही कहोगे? चाची सुने तो प्लीज यार, सुने तो। क्या हुआ? इसे को चले जाए यहाँ से, मैंने इसकी शक्ल नहीं देखनी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया चाची, आप ऐसा समझे कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, बस सब कुछ खुद हो गया। तो अगर तुमने हाला से शादी करनी थी तो हमें क्यों ख्वाब दिखाए? ऐसा कुछ समीन, तुम तो समझोगी ना मुझे। मैं, तुम कौन हो? क्या मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा नहीं था समीन, चाहे तो अम्मी से पूछ लो। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा था हमजा, तुम चाहे किसी से भी पूछ सकते हो।
चलें। जमीन, जमीन। कौन? मैं हूं हाला, खोलो। खड़ी क्यों बैठो? पानी। थैंक यू। बैठो। नहीं नहीं। क्या नहीं? ताईजान, अम्मी को दवाई दे दी, अब उन्हें आराम कर रही हैं। तुम भी सुकून से बैठो, कुछ खाना ला दूं। तो फिर मैं जाऊं? कहां? अपने कमरे में, मतलब दादी के कमरे में। हाला, हाला, अब यही तुम्हारा कमरा है, तुम्हें यही रहना। नहीं नहीं हमजा। क्या नहीं? ऐसे नहीं होता। कैसे नहीं होता हाला? मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझा सकती, मुझे दादी के पास जाना। हाला, हमजा, हमजा कहाँ है? हमजा, हमजा कहाँ है? यहीं है। नहीं नहीं, अभी इस वक्त, इस वक्त कहाँ है? अरे अपने कमरे में है बाबा। इस वक्त उसको अपने कमरे में नहीं नहीं होना चाहिए। होश में आओ शाहजान। उसे बुलाकर लाए वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कह रहा हूँ होश में आओ। तुम्हारी इन्हीं जल्दबाजियों की वजह से, तुम्हारी फितरत की वजह से यह दिन देखने को मिल रहा है। क्या जरूरत थी उसे घर से निकालने की? किसी से मशवरा किया तुमने? पूछा किसी से? तुम ही हो ना अकले कुल, तो भुगतो फिर अब। मुझे इल्जाम मत दे, मुझे इल्जाम मत दे, ये सारा कसूर आपका है। आपने उस फितने को इस घर में जगह दी थी। मैं मना करती थी कि इसे घर में मत रखे, लेकिन नहीं, आपने तो हातिम ताई की कब्र को लात मार दी थी ना। आपका कसूर है ये। आप हमजा को बुलाए बस। हमजा, होश में आओ, मैं कह रहा हूं। हमजा, कहां है हमजा? उसको बुला कर लाए फिर। वाह शाहजहान वाह, सारी उम्र मुझे कहती रही कि वो क्या कहते हैं, वो होते हैं मैनर्स और प्राइवेसी, कि मियां बीवी अगर अपने कमरे में हो तो सास का हक नहीं है कि वो सदाएं लगाएं। अब क्या हुआ, अपनी बारी सारे उसूल भूल गई? वो मियां बीवी नहीं है। वो मियां बीवी नहीं है, कहती रहे जितना मर्जी कहती रहे, ये तो वही हुआ ना, बाद अजमर्ग वावेला। बीवी नहीं है। अच्छा, मैं जा रही थी अपने पोते की दुल्हन को मुंह दिखाई देने, मगर सास का तो पहले हक होता है ना, तू भी आ जा, नौकर खोल अपना, आना, आ जा।
जहर।